आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिंदु पर जिसके बारे में अक्सर लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। सबसे पहले रंग जो है हमारे मन के अंतः मन की मूल भावनाओं पे काम करते हैं। रंग और लय जीवन के यही दो मुख्य बिंदु हैं जिनमें जिनसे हमारे जीवन चक्र में एक गति बनी रहती है, एक एनर्जी बनी रहती है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक आर्ट के सभी सिद्धांतों से हट के बात करना चाहेंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आर्ट को ऐसे करना चाहिए, इतने चश्म का होना चाहिए, इतने कलर इसमें होना चाहिए, इस कलर को इस कलर के बाद लगाना चाहिए, इस कलर को इस कलर में मिक्स नहीं करना चाहिए। तमाम सारी बातें हैं जिन पे काम किया जा रहा है। पेंटिंग को आकलन करने के लिए भी बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो मैं इस विधा पे बात करने की बात कर रहा हूँ कि जिसमें ना ही कोई सिद्धांत हो, ना ही कोई रंगों को लगाने का कोई प्रेशर हो। हम सिर्फ बात करेंगे रंग और लय की। यही दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हम मस्त हो के, फ्री हो के। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपनी आर्ट पर, और आर्ट में भी एक नए अंदाज में। आर्ट को भी अब हम एक नए अंदाज में आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। और ये सिर्फ तमाम सारी चीज़ों को हटा के और बहुत सारे कलाओं के सिद्धांतों को, इन सब को हटा के सिर्फ दो टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। नंबर वन, लय। लय एक ऐसा जीवन का अहम पार्ट है कि इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और चलने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी भी बहुत सारी चीज़ों के से मिलती है, कई सारे स्रोत हैं जिनसे एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन उसमें रंगों की अहम भूमिका है। इस रंग और लय के बीच जो हमारा जीवन चक्र चलता है, उस पर आधारित हम पेंटिंग का काम स्टार्ट करना चाहेंगे। और इसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों को माध्यम बना के हम रंगों के साथ कैसे खेलें। अक्सर आपने सुना होगा कि होली आई, रंग खेलेंगे, होली में रंग खेले जाते हैं, होली में रंगों के साथ खेला जाता है। और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो रंगों के साथ काम कर रहे होते हैं, मशीनीकृत होते हैं, वो उलझे हुए होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स को लेके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके काम करते हैं। और उस काम के पीछे एक मानसिक कसमकस से गुजरते हैं। पेंटिंग बनाते हैं, बना के बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, कई बार बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ों से उलझा हुआ कलाकार अक्सर ये सोचता है कि मैं रंगों से कहाँ खेल रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो जिनको आर्ट नहीं आती है, जिन्होंने नहीं सीखा, जिनके पास टाइम नहीं है जो सीख सकें, लेकिन रंगों के साथ खेलना चाहते हैं, रंगों के साथ वो बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि
जब वो रंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो लोग जिन आर्टिस्टों के पास जाते हैं, जिन कलाकारों के या जो जो भी इसके जानकार हैं उनके पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, और फिर एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि एक कलाकार, यूरोपियन कलाकार, वो उन्होंने 10 साल तक सिर्फ ड्राइंग की, उनके गुरु ने उन्हें 10 साल तक रंग ही नहीं इस्तेमाल करने दिया। ये सारी चीज़ें जो रंग के साथ खेलना चाहता है उसको दूर ले जाता है, सोचता है छोड़ो ये बेकार की चीज़ें हैं, नहीं करते हैं, इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी अपने मानसिक तनाव से गुजरते समय अगर वो हमारे इस स्टाइल को यूज़ करे तो उसका फ्रस्ट्रेशन ज़रूर कम होगा। हमारा स्टाइल, पहले बहुत सारे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अमूर्त चित्रण पे काम किया है, लय गति के साथ काम किया है, यही इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग करना चाहते हैं, रंगों को यूज़ करना चाहते हैं, कैनवास पर पेंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो सिद्धांतों में फंस जाते हैं, और यही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रंगों के साथ कैसे मस्ती की जाए। बच्चे को अगर रंग दे दिए जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि रेड यहाँ लगाना है या ब्लू लगाना है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे रंगों के साथ जो स्वच्छंद होके फ्रीली जो रंगों के साथ मस्ती कर रहा है, वही मस्ती उसको आनंद देती है। यही मस्ती हम नहीं कर पाते हैं। एक उम्र के बाद हम बहुत सारे सिद्धांतों में फंस जाते हैं जिससे हम अपने बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो मेरा ये स्टाइल आप ज़रूर अपनाएं, और इस स्टाइल से बिल्कुल यकीन माने कि जब आप इस अंदाज में काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आइए चलिए देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, कैसे मस्ती में काम करते हैं, रंगों के साथ कैसे खेलते हैं। ये रंगों के साथ खेलना ही जीवन का एक बहुत खुशनुमा एहसास है, और इन्हीं एहसासों के माध्यम से आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं अमूर्त चित्रण की, गति लय वेग की। ये हमारी पेंटिंग किसी भी पेंटिंग से, किसी भी आर्ट से या किसी भी कला से, कला की दौड़ में नहीं है। ये सिर्फ रंगों की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला और स्वच्छंद विचार आते जाएं, रंग चलते जाएं, इसी फ्लो में हम पेंटिंग बनाएं, सर्थियाँ आपको बहुत मज़ा आएगा।